हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपकी अपनी बायोलॉजी क्लासेस आर के बायोलॉजी क्लासेस सीकर में, जहां अपन पढ़ रहे थे। क्लास 12th बायोलॉजी सिलेबस चालू किया था मैंने, और अपन मानते हैं कि अपनी बायोलॉजी में 10 यूनिट मानी गई है। 10 यूनिट मुख्य रूप से है, जिसमें 5 यूनिट जो अपनी बोटनी से रिलेटेड है और 5 जूलॉजी से रिलेटेड है। तो शुरू की जो फर्स्ट यूनिट थी, जिसमें 4 चैप्टर थे, उनके वीडियो मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए। और आज अपन जो जूलॉजी की जो फर्स्ट यूनिट है, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। एक यूनिट बोटनी की पढ़ेंगे और एक साथ में अपन किसकी पढ़ेंगे, जूलॉजी की पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आज जूलॉजी अपन चालू करते हैं। और जूलॉजी जो सब्जेक्ट है, उसकी जो फर्स्ट यूनिट है, यानी कि लेसन 21, इसका नाम है मानव अध्यावरणी तंत्र। मानव अध्यावरणी तंत्र, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं आज के लेसन में। तो मानव अध्यावरणी तंत्र क्या होता है, सबसे पहले तो अपने को यही पता होना चाहिए। तो देखिए, अध्यावरण जो तंत्र होता है ना, उसका मतलब होता है, इसकी बात कर रहे हैं अपन, अध्यावरण तंत्र। यानी कि एक तो त्वचा, और एक अपन मानते हैं त्वचा व्युत्पन्न, यानी कि त्वचा से निर्मित जो होते हैं, त्वचा उत्पन्न संरचना वगैरह होती है, उन्हें अपन क्या कह देते हैं, अध्यावरणी तंत्र के नाम से अपने जानते हैं। यानी कहने का मतलब है, इस पाठ में मुख्य रूप से अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, त्वचा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अपन सबसे पहले जो स्किन या त्वचा, उसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मेन मेन जो बातें हैं त्वचा, त्वचा का जो अध्ययन होता है वह साइंस की कौन सी शाखा में करते हैं, डर्मेटोलॉजी जो होती है, डर्मेटोलॉजी जो डिपार्टमेंट होता है, उसके अंदर अपन कहते हैं कि इसका अध्ययन किया जाता है, डर्मेटोलॉजी। या इसे कहते हैं अपने कि त्वचा विज्ञान के नाम से भी अपने जानते हैं, त्वचा विज्ञान भी कहते हैं इसे। अब अपन मानते हैं कि जो स्किन होती है वह क्या होती है, मानव बॉडी का लार्जेस्ट अपन मानते हैं कि ऑर्गन इन्हें कहते हैं। लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होता है, स्किन, सबसे बड़ा अंग अपन इसे मान सकते हैं, जो सुरक्षा कार्य करते हैं। अब इसे एक संज्ञा और दी गई त्वचा को, कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, इसे कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी कहते हैं। यानी त्वचा को अपन क्या कहते हैं, हरपन मोला अंग। त्वचा को क्या कहते हैं, हरपन मोला अंग कहते हैं। अब ये हरपन मोला अंग के नाम से इसे क्यों जानते हैं, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर जो स्किन या त्वचा होती है वह बहुत से कार्यों को संपन्न करती है। बाहरी वातावरण से सुरक्षा करना, बैक्टीरिया वगैरह अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, जलरोधी होती है, जल प्रवेश नहीं करता है, टेम्परेचर कंट्रोल करने में सहायक होती है, उन सबके कारण अपन इसे क्या कहते हैं, हरपन मोला अंग कहते हैं, क्योंकि शरीर में बहुत सारे कार्य करती है। इसके बारे में डिटेल से अगले वीडियो में पढ़ेंगे, यहां पर केवल मैंने आपको बताया कि हरपन मोला के अंग के इसे नाम से जानते हैं। अब अपन में बात करते हैं स्किन के बारे में थोड़ी सी, स्किन है क्या। तो स्किन अपन कहते हैं कि एक मेसोडर्मल, स्किन है मेसोडर्मल सेल्स स्किन के अंदर, और साथ में अपन कहते हैं जो मेलेनिन जो वर्णक होता है स्किन के अंदर, मेसोडर्मल सेल्स और जो मेलेनिन वर्णक होता है, इनसे मिलकर अपन मानते हैं स्किन का निर्माण होता है। फिर जो स्किन होती है वह अपने नीचे की जो पेशियों से जुड़ती है, पेशियों से किसकी सहायता से जुड़ती है, संयोजी उत्तक की सहायता से जुड़ती है। पेशियों से संयोजी उत्तक से क्या करती है, ये जुड़ने का कार्य करती है। संयोजी उत्तक इसमें सहायक होता है जोड़ने के लिए। अब जो अपन मानते हैं कि जो देह भित्ति पाई जाती है, या बॉडी वाल्व जो पाई जाती है स्किन की, जो बॉडी वाल्व, या अपन इसे क्या कहते हैं, देह भित्ति, वह किससे मिलकर बनी होती है। तो वह होती है एक तो त्वचा पेशी स्तर, एक अपन मानते हैं देह गुहा उपकला। देह गुहा उपकला और साथ में त्वचा पेशी स्तर, इनसे मिलकर अपन देखते हैं, दोनों के मिलने से किसका निर्माण हो रहा है, बॉडी वाल जो होता है उसके निर्माण होता है, यानी कि देह भित्ति का निर्माण होता है। ये अपन यहाँ पर मुख्य रूप से देखो। अब जो ये अपनी स्किन होती है ना, त्वचा जो होती है, इसकी मुख्य रूप से अपन कहते हैं दो पार्ट्स या दो लेयर अपन मान सकते हैं पाई जाती है। पार्ट्स या लेयर अपन कहते हैं मुख्य रूप से पाई जाती है। फर्स्ट जो होती है उसे तो अपन क्या कहते हैं, एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं,
यानी कि अधिचर्म कहते हैं। दूसरी जो होती है उसे अपन कहते हैं डर्मिश, यानी उसे क्या कहते हैं, चर्म के नाम से जानते हैं। इन दो लेयर में अपन कहते हैं पूरी जो त्वचा होती है उसको डिवाइड किया जाता है। अपन सबसे पहले चर्चा किसकी करेंगे, एपिडर्मिस जो पार्ट है उसकी चर्चा करने वाले। एपिडर्मिस के बारे में देखिए, देखते हैं एपिडर्मिस, जिसे अपन क्या कहते हैं, अधिचर्म भी कहते हैं। एपिडर्मिस जो होती है उसे अपन अधिचर्म भी कहते हैं, डर्मिस क्या होती है उसे चर्म के नाम से जानते हैं। तो यह किससे निर्मित होती है, अपन मानते हैं कि जो भ्रूणी है एक्टोडर्म से निर्मित, भ्रूणी है एक्टोडर्म से निर्मित है होती है। कौन निर्मित होती है भ्रूणी एक्टोडर्म से, अधिचर्म जो होती है वह निर्मित है होती है। इसके अंदर अपन मानेंगे कि जो रुधिर वाहिनियां होती है ब्लड वेसल्स वह क्या होती है, अपसेंट होती है। रुधिर वाहिनियां इसके अंदर है अपसेंट होती है, रुधिर वाहिनियां इसके अंदर नहीं पाई जाती है। और अधिचर्म की जो मोटाई होती है वह अलग अलग होती है, अधिचर्म की जो मोटाई अलग अलग अपन मानते हैं अंग के अकॉर्डिंग। जो अंग ज्यादा बाहर पाया जाता है जिसमें रगड़ घर्षण ज्यादा होती है वहां पर अधिचर्म मोटी होती है, जैसे अपने हथेली है पांव के तलवे होते हैं इनमें। और कुछ पार्ट अपन कहते हैं जिनमें ये पतली भी पाई जाती है, नेत्र या नेत्र की जो कोर्निया, तो अपन कहते हैं मोटी तो कहाँ होती है, तलवा और हथेली पर अपन कहते हैं मोटी पाई जाती है। और पतली अगर देखें तो कहाँ पर होती है, यह नेत्र या एक कह सकते हैं नेत्र कोर्निया, इन भागों में यह क्या होती है, पतली पाई जाती है। फिर अपन कहते हैं कि जो अधिचर्म होती है उसको स्तरित एपिथेलियल, एपिथेलियल उत्तक भी कहते हैं, स्त्रित एपिथेलियल उत्तक कहते हैं, क्योंकि इसका जो निर्माण होता है वह अपन कह सकते हैं कि बहुत से त्वचा के स्तरों से मिलकर, अपन कह सकते हैं कि यह क्या होती है परतों से मिलकर निर्मित है होती है, इसलिए स्त्रित एपिथेलियल उत्तक के नाम से इसे जानते हैं। अब जो ये एपिडर्मिस होती है ना, यह भ्रूणी एक्टोडर्म से हो गई, रुधिर वाहिनी एब्सेंट, मोटाई अलग अलग होगी, मोटी तलवे तैनी में, पतली नेत्र कोर्निया में, और स्त्रित एपिथेलियल उत्तक इसे कहते हैं क्योंकि अलग अलग अपन मान सकते हैं त्वचा स्तरों से मिलकर इसका निर्माण होता है बहुत सारे त्वचा स्तरों से। तो जो अधिचर्म होती है उसके कितने स्तर, पांच स्तर के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, मुख्य पांच स्तर इसके पाए जाते हैं। पहला कौन सा होता है, फर्स्ट जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं, स्ट्रेटम मेलपिगी, इसे कहते हैं स्ट्रेटम मेल पीगी, या क्या कहते हैं अंकुरण स्तर, या इसे कहते हैं अंकुरण स्तर, स्ट्रेटम मेलपीगी अंकुरण। दूसरा जो होता है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्पाइनोसम के नाम से इसे जानते हैं, यानी कि शूल स्तर, शूल स्तर के नाम से अपन इसे जानते हैं। थर्ड जो आता है स्ट्रेटम ग्रेन्यूलस, स्ट्रेटम ग्रेन्यूलस भी कहते हैं, यानी कि कण स्तर के नाम से अपन इसे जानते हैं। स्ट्रेटम इंडिकम, स्ट्रेटम इंडिकम इसे क्या कहते हैं, स्वच्छ स्तर, इसे अपन कहते हैं स्वच्छ स्तर। और पांचवा आता है स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम, और इसे अपन क्या कहते हैं, किरण स्तर के नाम से जानते हैं। ये अपन कहते हैं कि त्वचा के मुख्य पार्ट, कौन सी त्वचा के, एपिडर्मिस जो अधिचर्म होती है उसके मुख्य कितनी लेयर पाई जाती है, पांच लेयर पाई जाती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं अंकुरण स्तर की, सबसे पहले किसकी बात करते हैं अपन, अंकुरण जो स्तर होता है उसके बारे में जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो जो अंकुरण स्तर होता है ना उसके बारे में देखिए, मेनली बातें क्या होती है, अंकुरण स्तर में सबसे भीतरी परत अपन इसे मानते हैं अधिचर्म की, सबसे भीतरी परत है जो किसके बाहर होती है, चर्म के बाहर की ओर होती है, चर्म के बाहर स्थित होती है,
चर्म के बाहर स्थित होती है और सबसे भीतरी परत अपन इसे मान सकते हैं। इसकी जो सेल्स होगी वह कैसी होगी? जीवित होगी। इसकी जो सेल्स वह कैसी होगी? सेल्स जीवित होती है। और कौन सी सेल्स पाई जाती है? स्तंभाकार, स्तंभाकार जो सेल्स होती है उनसे मिलकर अपन कहते हैं इसका निर्माण होता है। और इसके अंदर तो अपन कहते हैं कि जो मुख्य रूप से ब्लड वेसल्स या रुधिर वाहिनियां जो होती है वह क्या होती है? अब्सेंट होती है। इसके अंदर अपन मानेंगे रुधिर वाहिनी अब्सेंट होगी तो यह क्या करेगी कि जो चर्म की जो रुधिर वाहिनियां होती है, चर्म के रुधिर वाहिनियों से पोषण प्राप्त करेगी, चर्म के रुधिर वाहिनियों से पोषण प्राप्त करती है ये, क्योंकि इसके स्वयं की जो ब्लड वेसल्स होती है वह तो इसमें पाई नहीं जाती है। तो जो दूसरा टाइप या लेयर होती है त्वचा की डर्मिश, उसमें जो ब्लड वेसल्स होती है उनसे ये क्या करेगी? पोषण प्राप्त करती है। अब इसके अंदर अपन कहेंगे कि जो विभाजन होता है उसकी क्षमता पाई जाती है, विभाजन पाया जाता है। विभाजन होगा तो यह लगातार विभाजित होगी और लगातार नई नई सेल्स के रूप में यह क्या हो जाएगी? डिवाइड होती जाएगी। और इसकी जो सेल्स होती है ना कोशिका, उसमें कुछ उभार पाए जाते हैं, कोशिका उभार जैसी संरचनाएं पाई जाती है जिसे अपन क्या कहते हैं? रेटेपेगस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रेटेपेगस। जरूर ध्यान रखना, क्वेश्चन पुटअप होता है रेटेपेगस क्या होता है, तो कोशिका उभार जैसी जो संरचना होती है उसे अपन क्या कहते हैं? रेटेपेगस के नाम से अपन जानते हैं। फिर अपन वर्णक सेल्स प्रेजेंट होगी इसके अंदर, जो वर्णक कोशिका वह प्रेजेंट होगा जो क्या करेगी? रंग प्रदान करने का कार्य करेगी। और मुख्य वर्णक क्या पाया जाता है इसमें? मेलेनिन जो वर्णक होता है वह इसमें पाया जाता है, जो त्वचा को क्या करता है? रंग प्रदान करता है। और इसी के कारण अपन कहते हैं अपनी त्वचा का रंग होता है। तो ये मुख्य बातें थी अपनी किसकी? अंकुरण स्तर यानी कि स्ट्रेटम मेलपिगी की। सबसे भीतरी परत, चर्म के बाहर स्थित, सेल्स जीवित होती है, स्तंभाकार सेल से निर्मित, चर्म की रुधिर वाहिनियों से पोषण प्राप्त करती है, विभाजन पाया जाता है जिससे यह विभाजित होकर नई नई सेल्स से बनाती है, कोशिका में जगह जगह उभार पाए जाते हैं जिन्हें रेटेपेगस कहते हैं, वर्णक इसमें प्रेजेंट होता है जो रंग प्रदान करता है, और वर्णक कौन सा होता है? मेलेनिन वर्णक होता है। ये बात थी अंकुरण स्तर की। अब सेकेंड जो अपन बात करेंगे किसके, वह होगा अपना शूल स्तर, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। सेकेंड अपन बात कर रहे हैं शूल स्तर के बारे में। अब शूल स्तर के बारे में अपन देखते हैं कि यह जो अंकुरण स्तर था उससे बाहर पाई जाती है, अंकुरण स्तर से बाहरी परत जो होती है, अंकुरण स्तर से बाहरी परत जो होती है वह शूल स्तर होती है, शाखित होती है ये, यानी देखने पर अपने कैसी दिखाई देती है? शाखित दिखाई देती है। और इसका कार्य क्या होता है? अधिचर्म को दृढ़ता प्रदान करना। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? अधिचर्म को दृढ़ता प्रदान करना होता है। यही बातें ध्यान रखनी है। शूल स्तर में अंकुरण स्तर से बाहरी परत होती है, साखी दिखाई देती है, और अधिचर्म को दृढ़ता प्रदान करने का कार्य इसी का होता है। ये बात थी शूल स्तर की। अब जो थर्ड है कण स्तर, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कण स्तर से स्ट्रेटम ग्रेन्यूलस के नाम से भी अपन जानते हैं, कण स्तर ये शूल से बाहर, शूल से बाहरी परत अपन इसे मान सकते हैं, परत होती है जो 5 से 6 लेयर से मिलकर अपन मान सकते हैं कि निर्मित होती है। इसकी जो कोशिका होती है ना उसके साइटोप्लाज्म में एक पदार्थ पाया जाता है जिसे केरेटोहाइलीन, कोशिका द्रव्य में केरेटोहाइलीन जो पदार्थ होता है वह क्या होता है? उपस्थित है होता है। केरेटोहाइलीन पदार्थ यानी कि एक प्रकार की प्रोटीन है केरेटोहाइलीन, तो वह प्रोटीन के कण पाए जाते हैं, प्रोटीन जो कण होते हैं वह प्रेजेंट होते हैं किसमें? कोशिका द्रव्य में अपन मान सकते हैं प्रेजेंट होते हैं। यह थी इसकी मुख्य बातें। अब अपन मानेंगे चौथी, स्वच्छ स्तर। स्वच्छ स्तर, स्वच्छ स्तर देखिए कि यह किससे बाहरी परत आ जाएगी, यह कण स्तर से बाहर, कण स्तर से
बाहरी जो लेयर होती है उसे अपन क्या कहते हैं, स्वच्छ स्तर के नाम से जानेंगे। सल्काकार जो कोशिकाएं होती है उनसे अपन मान सकते हैं कि यह निर्मित होती है। सल्क के आकार की जो सेल्स होती है, सल्काकार जो कोशिकाएं होती है उनसे अपन मानेंगे कि यह क्या होती है, निर्मित होती है। इसके जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें एलेडिन पदार्थ, इसका जो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, इसके कोशिका द्रव्य में एलेडिन पदार्थ होता है, एलेडिन पदार्थ होता है जिसका निर्माण किससे होता है, जो केरेटोहाइलिन होता है ना उसके सूख जाने से, केरेटोहाइलिन के सूखने से किसका निर्माण होता है, एलेडिन। तो यह एलेडिन इसमें उपस्थित होता है, यह अपन इसमें मानेंगे। यह क्या है, एक पारदर्शी, पारदर्शी अपन मान सकते हैं सेल से निर्मित कोशिकाएं पारदर्शी सेल्स होती है। यह जलरोधी स्तर होता है, जलरोधी स्तर होता है, इसीलिए त्वचा को भी अपन क्या कहते हैं, जलरोधी कहते हैं, जल इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। तो यह स्वच्छ स्तर की मुख्य बातें अपने को पता होनी चाहिए। एक और मान सकते हैं, यह क्या होती है, निर्जीव सेल्स से मिलकर बनी होती है। इसकी जो सेल्स होती है वह कैसी होती है, निर्जीव होती है। यह भी अपने को मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। फिर जो पांचवा स्तर आएगा उसके बारे में और बात कर लेते हैं अपन। पांचवा स्तर जो आएगा उसे अपन कह रहे हैं मुख्य रूप से किरण स्तर के नाम से जानते हैं, पांच नंबर किरण स्तर। अब इस किरण स्तर की मुख्य रूप से सबसे बाहरी, सबसे बाहरी, सबसे बाहरी स्तर किसका, अधिचर्म का सबसे बाहरी स्तर चपटी व सल्काकार कोशिकाओं से निर्मित, चपटी व सल्काकार सेल से अपन मान सकते हैं यह निर्मित होता है। इसकी सेल्स कैसी होती है, निर्जीव, इसकी सेल्स कैसी होगी, निर्जीव सेल्स होगी। और इसके साथ साथ अपन कहेंगे कि जो सबसे मोटा स्तर, सबसे जो मोटा स्तर भी अपन मानेंगे यही होता है, सबसे मोटा स्तर पर मानेंगे वह कौन सा होता है, किरण स्तर ही माना जाता है। और इसके अंदर अपन मानेंगे कि सेल्स निर्जीव मानी गई है क्योंकि इसका जो एलिडीन होता है, एलिडीन वह क्या हो जाता है, सूख जाता है, इसका एलिडीन सूख जाता है, साइटोप्लाज्म में जो एलिडीन होता है वह सूख जाता है और सूख कर किसका निर्माण कर लेता है, किरेटिन प्रोटीन का निर्माण कर लेता है, सूकर किरेटिन प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। और किरेटिन प्रोटीन जो होती है वह अपन कहते हैं कि मृत पदार्थ के विघटन वगैरह से अपन कह सकते हैं किरेटिन प्रोटीन जो होती है वह यहाँ पर निर्मित होती है। और इसी के द्वारा जो शरीर बाह्य कंकाल के कुछ अंग जो सुरक्षा कार्य करते हैं जैसे बाल नाखून, इनका निर्माण अपने को देखने को मिलता है। तो वह क्रिया किसमें होती है, किरण स्तर में अपने को देखने को मिलती है। यह स्तर क्या होता है, मोटा स्तर होता है, जो सबसे ज्यादा मोटा तलवा और हथेली में होता है। इसकी जो सेल्स होती है 8 से 10 लेयर मोटी अपन इसकी मान सकते हैं। अब जो किरण स्तर होता है ना, यह क्या होता है, बैक्टीरिया रहित होता है, बैक्टीरिया रहित होता है, इसलिए अपन मान सकते हैं कि यह एक सफाई का कार्य भी करता है। इसके अंदर केराटिन प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, तो इसके अंदर अपन कह सकते हैं बाल वगैरह जो होते हैं वह भी उपस्थित माने जाते हैं। अब यहां पर कई बार पूछा जाता है कि संघी भवन या केराटिनाइजेशन क्या होता है, तो अधिचर्म की जो बाहरी सेल्स होती है ना, अधिचर्म की बाहरी सेल्स में निर्जीव केराटिन बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन क्या कहते हैं, श्रृंगी भवन या केराटिनाइजेशन के नाम से अपन जानते हैं। तो यहां पर मुख्य रूप से अपन कहेंगे फिर केराटिनाइजेशन क्रिया के द्वारा जो मुख्य रूप से बाहरी जो पार्ट होंगे बाह्य कंकाल के, इसमें बाल नाखून इनका क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये आज के वीडियो में अपन ने देखा जो त्वचा थी उसके दो पार्ट देखे थे, एपिडर्मिस और डर्मिस। तो एपिडर्मिस के फिर अपन ने मुख्य रूप से 5 पार्ट देखे जो अपन ने अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मैं उपलब्ध करवा दूंगा ग्रुप में। तो यहाँ तक का आज का वीडियो था। अगला वीडियो जो बनाएंगे उसमें अपन डर्मिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगला जो वीडियो होगा वह अपना डर्मिस के बारे में होगा। अब दूसरी बात यही कहूंगा
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को क्या करना है, शेयर करना है, ताकि प्रत्येक स्टूडेंट जो घरों में बैठे हुए हैं उनके पास पढ़ने के लिए मेटर उन्हें मिल सके। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यह मत देखिए कि वह दूसरी स्कूल का बच्चा है उसे लाभ हो जाएगा, यह अपने को नहीं देखना है। अपने को चाहे किसी भी स्कूल का बच्चा हो, चाहे अपन मान सकते हैं किसी भी जिले राज्य का हो, सबके पास इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।